नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लामनी 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, साइबर क्राइम तेजी से देश में अपना पांव पसार रहा है। कल भी आपने देखा, जिस अपराधी को जो बेऊर जेल में बंद था, वो भी एक साइबर क्रिमिनल ही था, जिसकी खबरें मैंने चलाए थे, जिसको मारने के लिए हथियारबंद लोगों ने मोकामा से गाड़ी खुलते ही 27-28 पर गोलियां चलाई। कल शाम में भी हमारे झाझा के जाने माने पूर्व भाजपा के नगर अध्यक्ष और राज कंप्यूटर का ऑनर राजेश कुमार के साथ भी कल साइबर अपराधियों ने उनके खाते से लगभग एक दो OTP मंगा के लगभग कितना रुपया उड़ाया है, 13,000 रुपया उड़ा दिया। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपना ATM कार्ड का डिटेल नहीं दें। जब राजेश कुमार जैसा जो खुद कंप्यूटर का मास्टर है, उनके साथ ठगी हो सकती है, तो आम जनता तो बिल्कुल सीधी सादी, उनके साथ तो कभी भी चोर उचक के ठगी करके उनके खाते से रुपये उड़ा सकते हैं। फिर एक बार अपील, किसी को भी अपना CVV या ATM कार्ड या पिन कार्ड कभी नहीं बताएं, साइबर अपराधियों के चंगुल से बचने का प्रयास करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झाझा जम्मू जिला का जाना माना नाम राजेश कुमार हैं, इनके साथ भी साइबर अपराध हुआ है, साइबर क्रिमिनलों ने इनके खाते से भी ठगी की है। क्या हुआ था सर? कल 25 तारीख को कल करीब शाम 5 बजे एक नंबर से कॉल आया। हमने 24 तारीख को कैरियर जॉब इन पे अपना रिज्यूम डाला था, कुछ लोगों का कि जॉब अरेंज के लिए इंटरव्यू अरेंज कराए, लेकिन वहाँ से नंबर हमारा हैक करके एक नंबर से कॉल आया कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो जो है आपको 99 का पे करना है, जिसके कारण एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसके बाद आपको हम लोग इंटरव्यू अरेंज कराएंगे, फिर वीडियो इंटरव्यू होगा, फिर आपको पटना आकर के इंटरव्यू देना है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, ऐसा बोल करके वो मैसेज आया। तो हमने उसको बताया कि ठीक है, आप रेफरेंस नंबर भेजो, 99 करना है, तो हम 99 UPI करना चाहें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, UPI नहीं कर सकते आप जो है अपने किसी भी डेबिट कार्ड से ही पे कर सकते हो। बोला कि UPI से क्यों नहीं करते, हम कल करेंगे। तो तक हमको लगा कि 99 का है, तो चलो एक रेफरेंस नंबर में हमने अपना ATM का कार्ड नंबर डाला। ठीक है, जैसे ही डाला तो एक OTP जनरेट हुआ, तो OTP नंबर देखते हैं, जो 99 के जगह 4,999 आया। मैंने उनसे बोला कि ये तो गलत मैसेज आ रहा है 4,999 का। बोला अच्छा, वो गलती से हम देखते अपने सीनियर से बात करते, फिर एक OTP दे रहा है वो, इस बार आया OTP 7,999 का। तब हमको लगा कि ये फ्रॉडबाजी होगा, हम दौड़ के गए HDFC सारा बंद कराए, लेकिन बिना OTP बताए सिर्फ ATM कार्ड के डिटेल से उन्होंने सारा पैसा मेरा 13,000 रुपया करीब, 1-2 रुपया कम वो पैसा निकल चुका। मतलब पहला जो आपको अमाउंट बताया गया 7,000 कुछ और दोनों को ऐड करके वो पैसा निकाल लिया गया, बात ये जिसका शिकायत हम यहाँ कल, और इसका हमने HDFC से भी बात किया है, उसकी एक टीम है, बोले कि आप हम जहाँ तक होगा आपको मदद करेंगे, कि साइबर क्राइम का ये है, इस तरह का होता है, आप किसी को डेबिट कार्ड से का डिटेल्स दीजिए ही नहीं। हम लोग खुद जानते हैं, बट इतना कम अमाउंट था, 99 अमाउंट था, तो हमको भी लगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं। आम लोगों को कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? मेरा ये कि हमारे जैसा व्यक्ति अगर इस तरह का ठगी का शिकार हो सकता है, तो हर लोगों को अपने ATM कार्ड को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी फ्रॉड तरह के जॉब करके, चाहे कोई भी ऑनलाइन खरीदारी भी आप अपने ATM कार्ड के थ्रू ना करें। क्या आपने उस जो साइबर क्रिमिनल थे या जिनका आपके पास कॉल आया था, उनको आपने OTP बताया था या नहीं? नहीं बताया हमने, बिना OTP बताया, फिर OTP जनरेट करके पैसा निकाल लिया। OTP जनरेट हुआ, वो तो मेरा उसी सारा डिटेल्स ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह की भी डुप्लीकेट कंपनी बहुत सारी है, जहाँ लोग आए दिन फंसते जाते हैं। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ।